असम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हार्की ग्राफिक क्रिएशन, और आज मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबाना हर किसी में भूलिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक इमेज ले लिया, तो इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हम इस इमेज को जूम कर लेते हैं। तो अब हम अपने टूल बार में जाएंगे। टूल बार में जाने के बाद हम पेन टूल, मैजिक पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके सिलेक्शन के बाद आपने जो अपनी इमेज ली है उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह आपने पूरी इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। तो मैं अपनी इस इमेज की सिलेक्शन कर लेती हूँ। और अगर कोई गलत सिलेक्शन हो जाती है आपसे, तो उसके लिए आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं, तो उससे वो जो एरिया आपसे गलत सिलेक्ट हुआ होगा उसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी आपने सिलेक्शन करनी है, जूम करके आपने सिलेक्शन करनी है। और जूम करने के लिए आपको सिंपल कंट्रोल सी प्रेस करना है, तो आपका जो इमेज है वो जूम हो जाएगी। ऑलमोस्ट मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट सिलेक्ट हुआ है, इसको हम रेजर टूल से रिमूव कर देंगे। तो आपने जो सिलेक्ट किया, इसके लिए आपने कंट्रोल एक्स वी करना है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड का जो रिमूव कर दिया, कंट्रोल एक्स वी आपने प्रेस करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब हमें रेजर टूल लेना है और इसको सिंपल क्लिक करना, तो जो एक्स्ट्रा एरिया उसके साथ आ गया, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इसका एरिया आ गया, इसको भी मैं रिमूव कर लेती हूँ जो बैकग्राउंड में आ गया इसके साथ। इसको रिमूव करने के बाद जो इसकी साइड है, हम इसको भी इरेजर टूल से थोड़ी सी स्मूथ कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आप भी अपनी इमेजेस को इसी तरह खूबसूरत बना सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करके। देखिए कितना इसका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन हुआ है। अब हम इस इमेज को उठा के अपने बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, जो हमें इसको बैकग्राउंड देना है। मैंने इसकी इमेज पहले से ले लिया बैकग्राउंड की, तो मैं इस बैकग्राउंड पे इस इमेज को लेके जाऊंगी। अपने सिंपल ट्रैक करना और इस पे ले जाना है इस इमेज को। और जब हमने इसकी सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है, और फिर उसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है। हम सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को बढ़ाएंगे।
उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसको हम जूम कर लेंगे। अब हम इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद हमने अप्लाई इमेज पे क्लिक करना है। अप्लाई इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आ रहा है इसमें हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना और सिंपल ओके कर देना है। अब हमने इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी हम इसकी लेंगे कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी लेके इसके ऊपर डबल क्लिक करना है हमने। डबल क्लिक करने के बाद हमने जाना है इसमें कलर ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने जाने के बाद ये जो रेड में आ रहा है इसको कलर्स को ओपन करना है और इसके अंदर हमने ब्लैक को सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैक कलर को। तो जो हमने कॉपी लिया उसमें सिंपल ब्लैक कलर आ जाएगा, तो वो जो हमने कॉपी लिया वो इसकी बन जाएगी शेडो इस इमेज की। तो हमने सिंपल इसको और कंट्रोल प्रेस करके इसकी शेडो को ड्रॉप कर देना है साइड में। शैडो को हमने एडजस्ट करना है अपनी इमेज के मुताबिक। करने के बाद हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब हम फिल्टर पे जाएंगे। फिल्टर पे जाने के बाद ब्लर और ब्लर के बाद इमोशन ब्लर पे हमने क्लिक कर देना। तो यहाँ से हम अपनी शैडो को ब्लर कर लेंगे। ब्लर करने के बाद हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब हमने ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल के यहां से हमने सॉफ्ट ब्रश क्लिक करना है। जो यहाँ पे शेडो आ रही है इसको हम थोड़ा सा साइडों पे कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत इमेज लग रही है। अब हम अपने सिंपल लेयर्स पे जाना है हमने। लेयर्स पे जाने के बाद ये जो सर्कल में आइकन सा आ रहा है इसको हमने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ से हम जाएंगे कलर बैलेंस पे। यहाँ से हम अपने इमेज को इमेज के कलर्स को बैलेंस कर लेंगे। ओके कर देंगे इसके सिलेक्शन के बाद, कलर बैलेंस के बाद ओके कर दिया।
अब हम फिर से वही आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हमने सिलेक्टिव कलर लेने हैं। यहाँ से आप मर्जी से कोई भी कलर लेके उसको बैलेंस कर सकते हैं। ब्लैक को थोड़ा सा मैं माइनस में कर दूंगी। कलर्स की एडजस्टमेंट के बाद हम ओके कर देंगे और हमारी इमेज बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह आप भी अपनी इमेज को खूबसूरत बना सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।